नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने भाजपा सरकार और सांसद पर आरोपों की बारिश करते हुए कहा कि वर्तमान सांसद अब सब्जी मंत्री बनकर रह गए हैं, जनता इस बार उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआ नगर के मुख्य मार्गों पर बाइक रैली निकालकर रोड शो किया, जिसके बाद नुक्कड़ सभा करते हुए जनता से उन्होंने समर्थन मांगा। प्रकाश जोशी ने कहा कि पूरे 5 साल तक वर्तमान सांसद ने अपनी सांसद निधि खर्च करने में विकन जोशी की, साथ ही पूरे 5 साल तक कोई भी विकास कार्य इस इलाके में नहीं किया गया। ऐसे में केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना से युवाओं का भविष्य चौपट करने का कार्य मोदी सरकार ने किया, लेकिन यहाँ के सांसद जो कि केंद्र में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री होने के बावजूद उन्होंने योजना का विरोध तक नहीं किया। उन्होंने कहा, एक वीडियो में सांसद अपने कार्यों का बखान कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 500 पौधे वितरित किए गए। ऐसे में ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सांसद अब सब्जी मंत्री बनकर रह गए। हमने कोई अपनी तरफ से आंकड़े नहीं बताए, वेबसाइट पे जो आंकड़े हैं भारत सरकार उससे ज्यादा प्रमाणित बात नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।